हेलो बच्चों, आज हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। आइए जानें प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन के कौन-कौन से, इन संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, भोजन, पानी, ईंधन, बिजली बचाने के कौन कौन से उपाय हैं। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे जल, वन, मिट्टी, खनिज, पेट्रोलियम, वायु, मानव और मत्स्य। जल में सिर्फ मनुष्य ही नहीं जानवरों तथा पेड़ पौधों के लिए भी महत्वपूर्ण हूँ। मेरे बिना जीवन संभव नहीं है। नदी, तालाब, पोखरों, समुद्रों, कुओं आदि में मेरा निवास है। दैनिक जीवन में आप लोग मुझे पीने के अलावा कपड़े धोने, नहाने, भोजन बनाने आदि के उपयोग में लाते हैं। फसलों की सिंचाई व उद्योगों में भी मेरा उपयोग होता है। मैं जल हूँ। मैं वन। आइए जानिए मेरी जुबानी। मैं अपने आप उगने वाले पौधों का विशाल समूह हूँ। मेरा नाम वन यानी जंगल है। मैं भी जल की तरह प्रकृति की देन हूँ। मैं पर्यावरण में नमी बनाता हूँ, इसके कारण वर्षा होती है। मैं भूमि के कटाव को भी रोकता हूँ। मैं जंगली जानवरों का घर हूँ। मैं वायु भी शुद्ध करता हूँ। मैं वन हूँ। मिट्टी। बच्चों, मैं मिट्टी हूँ। मैं प्रकृति की ऊपरी परत में हूँ। मेरा नाम मिट्टी है। मैं भी प्रकृति की देन हूँ। मेरी गोद में ही अनाज, सब्जी तथा अन्य पौधे उगते हैं। खनिज। मैं खनिज यानी धातु हूँ, खदानों में मिलता हूँ। मैं भी प्रकृति की देन हूँ, जिससे आप लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हो, जैसे बर्तन, कैंची, सुई, आभूषण आदि। मेरा उपयोग अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाने में आते हैं। पेट्रोलियम। मैं पेट्रोलियम हूँ। मैं जमीन के अंदर बहुत गहराई में पाया जाता हूँ। मैं भी प्रकृति की देन हूँ। मुझसे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि प्राप्त होते हैं। आपके यातायात के अधिकांश साधन मुझ पर निर्भर हैं। मेरे बिना ये अनुपयोगी है। वायु। बच्चों, मैं वायु हूँ। आप मुझे देख तो नहीं सकते, लेकिन अनेक दैनिक क्रियाकलापों में मुझे हमेशा महसूस करते हो। मैं प्रकृति के चारों ओर आवरण के रूप में उपस्थित हूँ। इसी घेरे को वायुमंडल कहा जाता है। मैं हमेशा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बहती रहती हूँ। मेरे बहाव का ऊर्जा के रूप में मैं उपयोग किया जाता हूँ। आप जानते हैं, मेरे बिना मानव तथा अन्य प्राणी जीवित नहीं रह सकते। मानव। बच्चों,
मानव भी एक संसाधन है। मानव स्वयं एक सक्रिय संसाधन है। मनुष्य ने ही अपने प्रयत्नों से पृथ्वी के चारों ओर अपार संपदा की उपयोग बनाया है। मानव के प्रयासों के बिना कोई वस्तु शायद संसाधनों की श्रेणी में नहीं आ सकती। मानव एक संसाधन है, किंतु बेहिसाब बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के एक मुख्य समस्या है। इसके कारण संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ रहा है, पर्यावरण का संतुलन भी तेजी से बिगड़ रहा है। मत्स्य यानी मछली। बच्चों, मैं मछली हूँ। मत्स्य संसाधन का महत्व उन देशों और अधिक है जहाँ कृषि योग्य भूमि कम है तथा जल के स्रोत काफी है। विश्व के आहार की लगभग 2% मात्रा मत्स्य द्वारा पूरी की जाती है। खाद्य होने के साथ साथ मछली के अन्य उपयोगी भी है। इसका तेल चिकनाई के काम आता है। कुछ मछलियों के तेल औषधि के काम आते हैं। इस तेल में विटामिन सी व डी पाए जाते हैं। इसकी हड्डियों से अच्छी खाद बनाई जाती है। संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण। बच्चों, हमने आज यह जाना प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा व संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। प्राकृतिक संसाधन विकास के मूल आधार है। मानव जीवन पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है। धन्यवाद।